तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पढ़ रहे हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट्स, है ना। उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका एक नुमाइंदा, एक उदाहरण क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, ये इसके साथ क्लोराइड। तो कल बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में जाननी चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, इनका आयनी करेक्टर होता है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ी होती है, क्लोरीन है। फिर बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने बताया कि किसी ने, कैकुले ने कुछ स्ट्रक्चर दिया, फिर बोल मास्टर ने कुछ और स्ट्रक्चर दिया, तो फाइनली हमने ये स्ट्रक्चर निकाल के लाए कि इसमें क्योंकि आयनिक करेक्टर है, नाइट्रोजन भी है और थोड़ा आयनिक करेक्टर भी है, थोड़ा एरोमेटिक सिटी भी है, तो क्या इसका फाइनल आउटलुक क्या है, फाइनल इसकी शेप क्या है। तो शेप क्या हुई, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और ये क्लो, तो ये क्या हो गया, प्लस और ये माइनस, जिसकी वजह से मैं बच्चों इसमें आयनिक करेक्टर डेवलप हो गया, सॉल्ट लाइक। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉल्ट लाइक। कल आपको याद होगा हमने इसको बनाने की एक विधि करी थी, कैसे बनाएंगे हम, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे या इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि हमने एनिलीन लिया, NH2, और उसमें हमने NaNO2 प्लस HCl डाला और हमें अपना कंपाउंड, डिजायर्ड हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया। तो मैंने आपको एक कंडीशन इसकी बताई थी कि आपको ठंडा करना है, और ये जो NaNO2 और HCl है इसका क्या काम था, इसका काम था HNO2 बनाना। और जो बनेगा, ये मैं क्यों बता रही हूं, इसका भी कारण है, अभी बताते हैं क्या। ये जो NO प्लस जो बना था वही इसके साथ ये नाइट्रोजन इसी को अटैक करता है, और आगे का प्रोसेस मैंने आगे का बता दिया कि कैसे कैसे किस तरीके से ये बनाते हैं। तो बच्चों इस विधि की कुछ कहानी ऐसी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम बहुत सारे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना चाहते हैं। ये तो हमने एक उदाहरण लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अगर मैंने बेंजीन की जगह कोई और बनाना चाहूं तो क्या मैं इस विधि से बना पाऊंगी, क्या मैं इसके, जिनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स, क्या मैं इस विधि से ये कंपाउंड, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट है, मैं बना पाऊंगी कि नहीं। तो क्या हो गया, विधि में कुछ अंतर तो नहीं है क्या, ऐसा ये मेथड सब जगह लग सकता है क्या, ये इसी व्यवहार तरीके से जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, NaNO2 डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए भी काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये देखने के लिए, क्योंकि हमने तो ये उदाहरण लिया क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, बहुत सारे विशेष कंपाउंड बना सकते हैं जिनका जगह जगह हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज जो सामने आई वो ये आई बच्चों कि ये जो बेंजीन है इसके साथ अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, ऐसा समूह जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचने की वो रखता हो, विशेषता रखता हो, मतलब समझ गए, जिनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन तो जान नहीं रहे हो क्या मतलब होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और विदड्रॉइंग का मतलब हुआ खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो जिन भी, जो ऐसे ग्रुप्स जिनकी ये विशेषता होती है कि भैया सामने इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको अपनी तरफ रखूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट शेयर करके, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किया तो बॉन्ड बन गया। अब इसकी कोशिश क्या होती है कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले जाऊं। तो जैसे कि ये उदाहरण है, क्या नाम है इसका, नाइट्रो एनिलीन। आपने जब बनाया था एनिलीन से बनाया, हम किससे बनाने जा रहे हैं, हम नाइट्रो एनिलीन से। तो क्या ग्रुप जोड़ दिया बच्चों मैंने, क्या समूह जोड़ दिया, NO2। NO2 का अगर आपको ध्यान हो तो स्ट्रक्चर कैसा होता है ये जानो, ये तो क्या है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चों, डेफिशिएंट। कमी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास। तो इसकी कोशिश क्या होगी, मैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूं, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ इसका लिंक है, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया तो
तो लिंक बन गया, लिंक बन गया तो इसने इससे कार्बन लिए। अब ये कार्बन कहता है मैं इससे लूंगा, ये कहता है मैं इससे लूंगा, ये कहता है मैं इससे लूंगा, और यहां हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है, ये देखो ये जो बिंदियां डाली ना मैंने, ये क्या है, कल भी बताया था लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो गया, इसको अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में लिखूं, जो मैं अक्सर बोलती हूं आपको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो होता क्या है, देखिए बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुम खुद समझ सकते हो अपने आप, अब तो तुम ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो, समझ सकते हो। देखिए कैसे खींच रहा है ये नाइट्रोजन, क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको दे दिया, इसको इधर दे दिया, इसने इधर दे दिया, और अल्टीमेटली आखिरकार इस ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा शक्ति रखता है खींचने की, उसने कहा मुझे चाहिए, ये यहां खींच लिया, यहां खींच लिया, यहां खींचते खींचते अब क्या हुआ, इससे हमें क्या फर्क, फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ हमें, हम रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं बना सकते, क्यों अच्छा नहीं बनेगा हमारा कंपाउंड, हमारा नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यों अच्छा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि अगर आपको कल की रिएक्शन याद हो कैसे की थी हमने, हमने इसमें HNO2 के साथ रिएक्ट किया था और डाला था NO+, तो क्या हो रहा है, NO+, NO के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये इसको ला रहा है, तभी तो करेगा, इसके पास ज्यादा, इसके पास कुछ नहीं, तभी रिएक्शन होगा, लेकिन हुआ क्या, इसका लोन पेयर कहाँ चला गया, वो तो नाइट्रो को सेटिस्फाई करने में निकल गया, तो विद द रिजल्ट क्या हो गया, कारण क्या हुआ, उदाहरण क्या बना, उदाहरण ये बना, विशेषता इस कंपाउंड की, कि अगर इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो ये क्षमता रखता हो कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखूं, विड्रॉ करूं, अपने तो कर ही रहा है, उसका नेचर ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है कि मैं ये चुंब शक्ति से ये सारे अपने जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ रखूं, वो अपनी तरफ रख रहा है, तो वो NO के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो क्या हो गया, मतलब उतना अच्छे से डाई, जिसको बोलते हैं एजोटाइजेशन नहीं होगी, हम कर क्या रहे हैं, एनिलीन को HNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ताकि हमारे को क्या मिले, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको डाई एजो, डाई कल भी बताया था, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन्स, तो दो नाइट्रोजन्स को जोड़ना है, डाई एजो बनाना है, तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, जब उतनी अच्छी नहीं होती है हम बोलते हैं नॉट फेसाइल, क्या शब्द इस्तेमाल करना है, फेसाइल, नॉट, नॉट तो जानते हो मतलब नहीं, फेसाइल का मतलब उतनी अच्छे से नहीं होती। ये मैंने आपको क्यों बताया, एक कारण है, कभी कभी जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो पूछ लेते हैं कि कौन सा डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल है, कौन सा डाइजोनियम क्लोराइड अच्छा है, कैसे बना, क्या ये स्टेबल था या नहीं था, कितनी जल्दी बन सकता है। तो जैसे कि उदाहरण के तरीके में एक चीज मैं पूछती हूँ, जरा हम कर लेते हैं उसको, उसको हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं भैया है क्या चीज, क्या पूछना चाह रहा है। जैसे ये पूछना चाह रहा है, ये आपको दो तीन कंपाउंड दे दिए, बताओ जी इससे हम डाइएजोटाइजेशन करना चाहते हैं, इसमें सबसे अच्छा डाइएजोटाइजेशन किसका होगा, बताइए जी, ऐसा सवाल पूछा गया। ये तीन मैंने आपको कंपाउंड दे दिए, एक दो और तीन क्वेश्चन आया है, प्रश्न पूछा है, इन तीनों में से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड बनना है, तो किसका बनेगा, सबसे पहले किसका बनेगा, बनेगा तो अच्छा होगा, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैंने आपको किसका उदाहरण दिया, NO2 का, क्या बताया मैंने, ये ग्रुप ऐसा है जो शक्ति रखता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे रहता ही नहीं है कि ये अच्छे से डाइएजोटाइज कर ले। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, सबसे जरूरी कौन सा हो गया, सबसे अच्छा कौन सा हो गया, नंबर दो, तो नंबर दो तो सबसे बढ़िया, उसके बाद ये, और मैं बता रही हूं नंबर तीन है ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं देता है, तो ये आपको जानना है एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक मींस
डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, डाई एरोमेटिक अमीन्स ही डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जितने भी हैं वो नहीं बनाएंगे। तो आपको कहानी, तो इनके बीच की कहानी क्या हुई, एक दो और तीन, तीन तो है ही नहीं, तो मतलब तीन तो है ही नहीं, तीन तो देगा ही नहीं, देगा तो दो दूसरा भी बनाएगा, पहला भी बनाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बनेगा, दो का। तो ये विशेषता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बोल देंगे आप नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वो प्रिपरेशन लिखो, तो क्या करोगे, प्रिपरेशन तो है मगर आपको बताना है उसके साथ मेथड तो यही है, विधि तो यही है, लेकिन इसमें जो बनेगा क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, यील्ड जिसको बोलते हैं, जो सॉलिड बाहर बन के आएगा वो कम होगा, उसकी यील्ड परसेंटेज कम होगी, कारण क्या होगा, यही आपको कारण भी पूछा जाएगा। तो कारण क्या है, कारण है इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट है। इसी का दूसरा रूप पूछ सकते हैं, बताइए जी यहां पर हमने बदल दिया, अब NO2 को छोड़ दिया, हमने मिथाइल ग्रुप डाला, इन दोनों को देखें तो क्या होगा, बताइए कौन फास्ट होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, जी नहीं फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, क्यों, अब मैंने क्या ग्रुप डाल दिया, कौन सा ग्रुप डाल दिया, मिथाइल, मिथाइल का क्या है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन पे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना वो नाइट्रोसोनियम आयन से फास्टली रिएक्ट करेगा, अच्छे से रिएक्ट करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया, सारी चीजें बता दी गई, विशेषता रिएक्शन की क्या थी, बनाने की विधि वही है, मगर अगर आपसे पूछा जाए इसके डेरिवेटिव्स बनाओ, इसके नए नए कंपाउंड्स बनाओ, तो कंपाउंड्स बनाने के लिए दिमाग में ये रखना है कि उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा है तो रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप जुड़ा है जो दे सकता है, जिसकी क्षमता है कि लो भाई मैं इलेक्ट्रॉन हेल्प कर सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ देने में, तो वो जो है अच्छे से रिएक्शन दे देता है। ठीक होगी बात, तो चलिए ये तो हो गई हमारी कहानी कि हम इसको बनाते कैसे हैं, अब कहानी है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये जी कैकुले स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, गैरिसन फार्मूला ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो वो क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो। मैंने बोला आयनिक का बिहेवियर नहीं बता रहा, मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शंस नहीं बता रहा, तो बच्चों अब हम ये जानेंगे इसकी ऐसी विशेषताएं क्या है जिनके बारे में आपको ज्यादा जानना है ना, जानना है। ये सॉल्युबल, फिजिकल तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें क्लोराइड है, इसमें सॉल्ट लाइक बिहेवियर है, तो ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो केमिकल नेचर इसका बताता है, वो अब हम जाएंगे जानेंगे, और उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक आ गई बात। अब बच्चों पहले तो मैं स्ट्रक्चर लिखती हूं जिससे आपको और जहन में रहेगा कि हमने करना क्या है, भाई हम चाहते क्या हैं, हम ये बताना चाहते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरह की विशेषताएं हैं, दो तरह की ये रिएक्शन बताता है। एक रिएक्शन तो ऐसी है जिसमें ये नाइट्रोजन हट सकता है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब तब्दील कर सकते हैं किसी भी मोनोवेलेंट एलिमेंट से, मतलब ये नाइट्रोजन को हटाना है हमने, ये नाइट्रोजन रिटेन नहीं रहेगा, जो भी रिएक्शन ये कर रहा है उसमें ये नाइट्रोजन के जो भी है N और N किसी भी हाल में निकल जाएंगे, तो मतलब हम कुछ और बना सकते हैं, कोई और चीज बन जाएगी मगर ये नाइट्रोजन नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि हमने इससे, मैं बोल रही हूँ क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, हाँ जी क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, कैसे, हम ये नाइट्रोजन हटा दें और क्लोरीन रह जाए, तो कैसी कंडीशन हुई, कैसी रिएक्शन हुई, क्या विशेषता हुई, कि इसमें ऐसी विशेषता है कि ये जो नाइट्रोजन इस पे लगा है इसको रिप्लेस कर दें, किसी कोई और चीज आके इसको धक्का दे दे, मतलब यहां से क्लोरीन आया उसने इसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, मतलब साधारण शब्दों में, बट है तो ऐसा तो नहीं होता केमिस्ट्री की भाषा में। तो क्या बताना है आपको, ऐसी विशेषता है इस कंपाउंड की, ऐसी विशेषता है डाइजोनियम सॉल्ट की, ऐसी विशेषता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ये नाइट्रोजन को रिटेन ना रखे, इसकी जगह
कोई मोनोवेलेंट इसके साथ जुड़ जाए, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, OH है, ऐसा कोई चीज़ इससे जुड़ जाए। तो बच्चों जब हम ये करने लगेंगे तब आप समझ पाओगे इसका दूसरा मतलब क्या है, मतलब क्या है। हम एक चीज से जब दूसरी चीज बनाते हैं तो प्रश्न दोनों तरीकों से आ जाता है, बताइए जी इस ए की क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा आ सकता है ए से जो तुमने बी बनाया, ये बी हम ए से कैसे बना सकते हैं। तो दोनों चीजें आ जाती है, एक की वो बन जाती है विशेषता, दूसरे का बन जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधि। अभी मैं कहूं यहां से क्लोरोबेंजीन बनाना है, कहां से बनाना है, डाइजोनियम क्लोराइड से, ये तो इसकी विशेषता भी हो गई और इसका बनाने का तरीका भी हो गया। जैसे हम वो आगे करेंगे तो समझते जाएंगे। दूसरी विशेषता कैसी है इसकी, ये तो बहुत बड़ी विशेषता हो गई कि नाइट्रोजन हट सकता है, उसकी जगह दूसरा चीज आ जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें नाइट्रोजन रहता है, उसके रहते हुए कुछ कुछ काम हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो एक में तो हो गया रिटेन नाइट्रोजन, नहीं नॉट रिटेन, पहली जो विशेषता है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है बाय सम मोनोवेलेंट एलिमेंट, ठीक है। दूसरी विशेषता कब है, क्या है, रिटेन, रिटेन का मतलब जानते हो क्या होता है, रिटेन का मतलब रहना, ठहरना, रिटेन ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो सीधे शब्दों में अगर मैं बताना चाहूं तो सीधे शब्दों में क्या बताना चाह रही हूं कि दो तरह की विशेषताएं हैं, एक विशेषता है जिसमें नाइट्रोजन है, दूसरी विशेषता है जिसमें नाइट्रोजन हट जाता है, एक विशेषता में रहता है, एक में हट जाता है। जिसमें रहता है उसमें कपलिंग रिएक्शन होती है, जिसमें हट जाता है उसकी जगह कोई मोनोवेलेंट क्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रो कोई भी ऐसा ग्रुप जो है, नॉट जरूरी एलिमेंट, ग्रुप भी होगा वो भी इसमें रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास बहुत सारी नेम रिएक्शन है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, गेटरमैन ने काम किया, सैंडमेयर ने काम किया, गोमबर्ग बुकमैन ने काम किया, तो इन्होंने बहुत सारे बाल्स शिमेन ने काम किया और उन्होंने देखा उनको विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिल गए, कंपाउंड्स मिल गए, उन्होंने कहा इसकी ये विशेषता है भैया नाइट्रोजन इसमें से हट सकता है, तो देखते हैं हम क्या बनाएंगे। चलिए अब हम इनको अच्छे से विवरण इनका अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं क्या है, ये तो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया, अब हम पूरा विवरण देते हैं क्या चीज है ये, किस तरीके से ऐसा काम हो सकता है, ये डाइजोनियम क्लोराइड कैसे वर्क कर सकता है। तो पहले ही प्रॉपर्टी मैं लिखती हूं, इसमें भी बच्चों ध्यान देना है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय क्लोरीन, देन ध्यान से देखना क्या क्या डाल रही हूं, क्लोरीन ब्रोमीन एंड साइनाइड। तो किस ग्रुप से हम रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं नाइट्रोजन को, क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड से। तो तीन ऐसे ग्रुप हैं जो हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं और इसकी वैलेंसी मींस मोनोवेलेंट रहना चाहिए। तो अगर मैं नटशेल में पहले रिएक्शन लिखूं तो फिर हुआ क्या वो पढ़ेंगे, N2Cl हमने इसमें क्या करना है, रिप्लेस करना है क्लोरीन से। ये सारी रिएक्शन कॉपर, ये देखोगे आप ये कॉपर की ही प्रेजेंस में होती है और हम क्या डाल रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोराइड से, तो हमें मिल रहा है Cl, ठीक हो गया, प्लस नाइट्रोजन गैस। तो मतलब हो जाएगा कि नाइट्रोजन हट गया गैस के फॉर्म में और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। ऐसे ही हम डाल रहे हैं N2 प्लस Cl नेगेटिव और हम डाल रहे हैं कॉपर ब्रोमाइड, तो देखिए बच्चों क्या बना, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन। तीसरा क्या था, देखिए साइनाइड, तो ये आगे फिर से दोबारा हम लिख रहे हैं वही चीज, अब इसको जानेंगे ये समझेंगे है क्या, CuCN, तो हमें मिल गया साइनाइड प्लस नाइट्रोजन। तो किससे हमने रिप्लेस कर दिया,
सीएल तो छोड़ो, वो तो सॉल्ट है, वो तो हमने डाला है उसमें एच सी एल, उसकी वजह से सॉल्ट है, पर हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन है, किस फॉर्म में थी ये, एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन, तो हम इसको हटा रहे हैं और उसकी जगह डाल रहे हैं। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये जिस साइंटिस्ट ने पढ़ी उसका नाम है सैंडमेयर। क्या बोला उसका नाम? सैंडमेयर। तो इसका नाम जो मैंने रिप्लेसमेंट लिखा आपसे, सैंडमेयर रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो रिप्लेसमेंट विद क्लोरीन, है ना, अब जरूरी नहीं है ऐसा लिखें, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका नाम बोलेंगे एक्सप्लेन, बताइए जी, विवरण दीजिए सैंडमेयर रिएक्शन का, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन दीजिए। तो कैसे देंगे हम, ये सैंडमेयर है, तो क्या बता रहा है, सैंडमेयर का काम क्या हो गया, उसने इसमें से नाइट्रोजन निकाल दिया, कॉपर क्लोराइड के साथ डाला, तो हुआ क्या बच्चों, ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकलती है, मैंने कल भी बताई थी आपको बात, ये एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन, ये निकल सकती है कैसे, अगर नाइट्रोजन को अपने, नाइट्रोजन तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे, दे दे एक चेन में, तो ये निकल सकता है। तो होता क्या है, ये जो कॉपर क्लोराइड है, ये कॉपर का काम है इलेक्ट्रॉन देना, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, कॉपर तो मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल गया, और हमारे पास यहां कमी आ गई, बेंजीन के पास किस चीज की कमी आ गई, उसको कोई ग्रुप चाहिए जोड़ने के लिए, तो क्लोरीन उसके बगल में था, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज था, इस नाइट्रोजन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहां से निकल गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, और क्लोरीन नेगेटिव था, वो इसके ऊपर जुड़ गया, तो क्या हो गया, क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, मतलब N2 को धक्का मिला और क्लोरीन जुड़ गया। इधर देखिए क्या हुआ, कॉपर ब्रोमाइड वही काम, फिर ब्रोमाइड ने इसको धक्का दिया, नाइट्रोजन बाहर हो गई, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन निकल गई, ऐसे ही साइनाइड में। तो ये तीनों रिएक्शंस, इनका नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन गेटरमैन ने कहा कि इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसे यील्ड मुझे थोड़ी कम मिल रही है, मैं अपना मेथड निकालता हूँ। तो उसने कहा भाई मैं ऐसे नहीं लेता, कॉपर क्लोराइड रिएक्शन यही है, प्रोडक्ट भी वही है, सब कुछ वही है, मगर उसने रिएजेंट को चेंज कर दिया। हम यहाँ किससे ट्रीट कर रहे हैं, किससे रिएक्शन कर रहे हैं, हम कॉपर क्लोराइड से, कॉपर साइनाइड से, कॉपर ब्रोमाइड से, मगर नहीं, उसने क्या कहा गेटरमैन ने, गेटरमैन ने कहा भाई ऐसे नहीं करेंगे, सेम रिएक्शन है बच्चों, कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। आप समझो क्या किया उसने, उसने कहा हमने कॉपर और एच सी एल डाल दिया, उसने क्या लिया था, कॉपर क्लोराइड सी यू सी एल, है ना, इसने क्या किया, कॉपर लिया और एच सी एल डाल दिया, कॉपर लिया और एच बी आर डाल दिया, कॉपर लिया और एच सी एल डाल दिया, तो हमारे जो प्रोडक्ट थे वो तो वही रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, है ना, तो क्या हो गई, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, क्या चेंज किया उसने, CuCl नहीं लिया, Cu अलग, HCl अलग, Cu अलग, HCl। अब आपको जो मैंने आपको रोल बताया था, कॉपर का रोल क्या था, वो समझ आ गया होगा, कॉपर मेटल है, उसका रोल है इलेक्ट्रॉन सप्लाई बढ़ाना, वो सप्लाई बढ़ा दिया, तो क्या किया उसने, उसको अच्छे से और ये प्रोडक्ट्स मिल गए, ये जो पदार्थ बने, ये जितने भी कंपाउंड बने अच्छे यील्ड में बने, गेटरमैन ने उसको रिप्लेस कर दिया, उसने कहा भैया कॉपर क्लोराइड नहीं ले रहा मैं, कॉपर और एचसीएल ले रहा हूँ। तो बच्चों अब आप जान गए कि नाइट्रोजन को तो हटा के क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड घुस गया, ठीक हो गई बात, इसी को सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमने तीन दे दिए एग्जाम्पल, अब और भी हैं, हमने देखा जाए तो अगर कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एड हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं हेलोजन, ठीक है ना, हेलोजिनेशन। तो मैंने विशेष रूप से क्या लिखा, क्लोरीन और ब्रोमीन, मैंने एक्स नहीं लिखा, हम हेलोजन को हमेशा एक्स से प्रेजेंट करते हैं, मगर मैंने एक्स नहीं लिखा, मैं जनरल एक रिएक्शन दे सकती थी, आम रिएक्शन दे सकती थी, हमने एक्स लिख लेते, लेकिन हुआ क्या बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन तो इससे बन जाते हैं, आयोडीन इससे नहीं बनता, है ना, तो आयोडीन के लिए दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, हम
के आई के साथ ट्रीट करते हैं। चलिए ये हटा देते हैं, हम नया लिखते हैं, मतलब हेलोजिनेशन नहीं कह सकते, हम कहेंगे स्पेशली क्लोरीनेशन हो गया, इससे ब्रोमीन भी हो गया और साइनाइड भी हो गया, आयोडीन इससे नहीं होगा, समझे। तो ये इसलिए बताना बहुत जरूरी है, इन चीजों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार घूम के क्वेश्चन आता है, प्रश्न जो है कभी भी सीधा नहीं पूछा जाता है, और एक केमिस्ट को ये सब जानकारी पूरी होनी चाहिए। घूम के भी प्रश्न आ जाता है, घूम के पूछेगा, ऐसा भी कह सकता है ये कंपाउंड में डाल दिया CuI डाल दिया, तो आप तो बना दोगे N2 हटा दिया, I डाल दिया, पर नहीं, जब भी हमने आयोडीनेशन करनी है हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हमें यूज करना है उसमें KI, कॉपर आयोडाइड हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो समझिए क्या हुआ, अच्छा मैं लिख देती हूं, ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट विद या रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, बहुत बहुत अच्छी विशेषता, ठीक है इसकी। तो ये है N2Cl, हमने पहले डाला KI, तो ये क्या करता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये पहले Cl को बदल देता है, कहता है भैया Cl तुम जाओ, तुमको मैं निकाल के मैं I बन जाता हूं, और फिर हम इसको हीट कर देते हैं। जब भी आप इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, हम इसको हीट कर देते हैं, ये नाइट्रोजन को गायब कर देता है और बन जाता है आइडो बेंजीन। अभी मैं इसके बारे में एक चीज बताऊंगी विशेषता, पहले ये जरा खत्म हो जाए सारे के सारे रिप्लेसमेंट्स, फिर समझेंगे। तो क्या हुआ, ये CuI से नहीं होगा, ये किससे होगा, KI से होगा, तो रिप्लेस कर दिया हमने आयोडीन से। चलिए आगे चलते हैं, हेलोजन में किस चीज की कमी रह गई, हाँ जी आपने क्लोरीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, आयोडीन कर लिया, अब क्या बचा, हाँ जी फ्लोरीन, तो फ्लोरीनेशन भी करनी है, अब रिप्लेसमेंट है, तभी मैंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया हेलोजिनेशन, है ना, अब है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, तो ये भी जो है डायरेक्ट नहीं है, इसमें भी हम CuF इस्तेमाल नहीं करते, हम भी इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं है, और इसका काम या इसका नाम क्या है रिएक्शन का, बेल्स सीमेन रिएक्शन, तो सब तरह के लोग काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े केमिस्ट हैं, उन्होंने काम किया, सैंडमेयर ने किया, गेटरमैन ने किया, बाल्स ने कहा कि फ्लोरीन तो उससे नहीं होता है, मैं फ्लोरीनेशन करता हूं, उसने भी फ्लोरीन ऐड किया, रिप्लेस किया, और उसका नाम आ गया बाल्स शीमेन रिएक्शन। अब किया कैसे बच्चों, उसने यूज किया फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या यूज किया, फ्लोरोबोरिक एसिड, ये है N2Cl नेगेटिव, अब उसने डाला फ्लोरोबोरिक एसिड, और फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HBF4, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, पहले ये BF4 क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, फिर हम हीट करेंगे जैसा KI में किया, हीट करा, नाइट्रोजन निकाला, और हमारे पास F ऐड हो गया, तो क्या बना दिया हमने, देखिए C6H5N2BF4, ये क्या है बच्चों, प्लस, ये क्या है माइनस, यहां क्या था Cl माइनस, तो किसको रिप्लेस करेगा, इसको, इसके लिए तो BF4 है माइनस, यहां Cl है, Cl को हटा दिया तो BF4 चला गया। अब हमने क्या किया, इसको इसमें हीट कर दिया, ये जो मैं ट्राइंगल सा लिख रही हूं ना, ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, हीट कर दिया तो बन गया हमारे पास, देखिए N2 हट गया नाइट्रोजन के फॉर्म में, फ्लोरीन ऐड हो गया, प्लस BF3, है ना, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं हुआ, पहले BFR4 ने रिप्लेस किया, फिर जो है उसको हीट किया हमने, तो इसमें तो फ्लोरीन हो गया, वो BF3 निकल गया। तो हेलोजिनेशन के चार चीजें हो गई, दो तो हो गई, चार नहीं तीन हो गई, दो तो सैंडमेयर से हो गई, तीसरी रिप्लेस कर दिया हमने KI वाले से, और फ्लोरीन और KI, फ्लोरीन और आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन ना सैंडमेयर से होती ना गेटरमैन से होती है, सिर्फ किससे होगी, बाल्स शीमेन रिएक्शन से, हो गया ठीक। तो ये हो गई बच्चों रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, साइनाइड, ब्रोमाइड, ये हो गई इसकी रिप्लेसमेंट। अब है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, है ना, अब हमने OH ग्रुप से इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट किसका, N2 का, हमने रिप्लेसमेंट किया बाई
OH ग्रुप, क्या बोलते हैं OH ग्रुप को? हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप, आप उसको हाइड्रोक्सी लिखो, और केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको OH ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब तो ये बहुत आसान है, बता सकते हो, आपने अभी तक किया होगा बहुत बार, N प्लस नेगेटिव Cl नेगेटिव, क्या डालेंगे, पानी डालने का सबसे आसान तरीका, OH डालने का, वाटर डाल दिया, HCl भी बन जाएगा और नाइट्रोजन भी निकल जाएगा बहुत आराम से, ये OH हो गया प्लस ये N2 हो गया प्लस HCl। और बच्चों जब भी N2 लिखना है हमेशा एरो करना है, ऐसा एरो बनाना है, एरो का मतलब होता है गैस, तो ये गैस बन गई, तो आ गया हमारे पास OH ग्रुप भी, तो तुमने रिप्लेस कर दिया इसको किससे, हेलोजन से, साइनाइड से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। चलिए अब एक रिप्लेसमेंट रहती है, इसी में मैं बदल देती हूँ थोड़ा सा, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, है ना। अब ये जो रिप्लेसमेंट है ये भी डायरेक्ट नहीं होती है, इसमें भी हम पहले HBF4 से इसको ट्रीट करेंगे, क्या है वो अभी बताया आपको, उसका नाम है फ्लोरो बोरिक एसिड, बाद में हम सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करेंगे, मैं बताती हूँ क्या है विशेषता, देखिए भाई ये है हमारे पास N2Cl, हमने डाल दिया इसमें HBF4, इसने बना दिया वही चीज जो अभी आपने की थी फ्लोरिनेशन के लिए, N2 प्लस BF, इसको ऐसे ही लिखते हैं BF3। अब उसमें BF4, उसमें तो BF4 में से ही फ्लोरीन निकला, लेकिन इसमें तो हम नाइट्रो डाल रहे हैं, हमें NaNO2 डालना है, NaNO2 हम डालते हैं ताकि ये NO2 से रिप्लेस हो जाए, लेकिन NaNO2 भी कब डालेंगे हम, कॉपर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो बच्चों ये भी सैंडमेयर टाइप ही रिएक्शन है, और यहां पर हमारे NO2 ग्रुप आ गया प्लस Hb4, ये BF4 निकल सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें BF4 को निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन को निकाल रहे हैं और नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया, है ना, तो डायरेक्ट सैंडमेयर नहीं है बट एक किस्म की कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, गेटरमैन जैसी रिएक्शन है, गेटरमैन क्या थी, CuHCl, यहाँ CuHCl नहीं है, CuNaNO2 है, डायरेक्टली HNO3 HNO2 हो हम नहीं ले सकते, तो क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से ये इरोज हो जाता है, ये NO2Cl निकल जाता है, ठीक से नहीं रहता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट नाइट्रेशन मेथड नहीं कर सकते हैं, हमें नाइट्रेशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड को ही अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब एक और रिप्लेसमेंट है, वो रिप्लेसमेंट है बाय एराइल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण, NO2 भी हो गई, अब होगी बाय एराइल, एराइल समझते हो क्या होता है, एराइल या फिनाइल, समझ गए, रिप्लेसमेंट बाय एराइल, एराइल होता है बच्चों, जैसे बेंजीन को क्या बोलते हैं, बेंजीन, नॉर्मली हम इसको इसमें से एक एच को निकाल दें ऐसे, तो वर्ड कर लेते हैं यूज फिनाइल, जनरली क्या बोलते हैं इनको, एरोमेटिक, है ना, तो एरोमेटिक को यूज कर देते हैं वर्ड एराइल, तो एराइल का मतलब है ये C6H5, तो अब रिप्लेसमेंट किससे है, एराइल ग्रुप से, मतलब हमें बनाना क्या है बच्चों, हमने इस N2 को हटा के, तो ये बन जाता है बाई फिनाइल, तो इसका नाम ऐसे भी आ सकता है, कैसे बना सकते हैं बाई फिनाइल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, या बाई फिनाइल बनाने की विधि बताइए, तो हम सोचोगे हमने तो बाईफिनाइल तो हमारे कोर्स में नहीं था, आउट ऑफ कोर्स आ गया, ऐसा नहीं है, सिलेबस में ही है, कहाँ से बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, और ये जो रिएक्शन है इसका नाम है गोमबर्ग बकमन रिएक्शन, क्या नाम है बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो, वो क्या नाम है, गोमबर्ग बकमन रिएक्शन, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, उदाहरण दीजिए, लिखिए किसके बारे में, गोमबर्ग बकमन रिएक्शन के बारे में, तो बोले गोमबर्ग बकमन रिएक्शन क्या है जी, गोमबर्ग बकमन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, डाइजोनियम क्लोराइड को रिप्लेस करना है हमने एराइल से, तो क्या यूज करते हैं हम इसमें, बहुत ही अच्छी
बहुत ही अच्छी विशेषता है इसकी। हमने इसको एराइल से कैसे करना है भाई, हमने यूज़ करना है, इसमें इस्तेमाल करना है हमने NaOH का, है ना, NaOH का हमने इस्तेमाल करना है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास एराइल ग्रुप का। पहले मैं ये लिखती हूँ फिर मैं आपको, तो हम पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, लेकिन होगा कैसे, हमने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालना है, बेंजीन डालना है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड मिल गया, क्या बताया मैंने आपको, इसका नाम है बाइफिनाइल। ठीक हो गई बात, तो ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ एराइल ग्रुप, और इस रिएक्शन को भी बता दिया मैंने क्या बोलते हैं, गंबर्ग पैकमैन रिएक्शन। ठीक हो गया, अब एक आखिरी जो बचा है रिप्लेसमेंट वाला, वो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। किससे रिप्लेस करना है हमने, हाइड्रोजन से। ठीक है, किससे रिप्लेस किया अब, हाइड्रोजन, मतलब समझ लो अब हमारे पास N2 हट गया, कुछ नहीं रहा, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके हमने क्या बना दिया उसको, सिंपल बेंजीन बना दिया, है ना, तो हमने एरोमेटिक रिंग बना दिया। तो क्या है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, एन टू प्लस Cl नेगेटिव। और ये होता है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO2 की प्रेजेंस में और वाटर भी रहना चाहिए। एक तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, दूसरा वाटर है, और क्यूपरस ऑइंस की प्रेजेंस में, तो बन जाना चाहिए हमारे पास कंपाउंड, क्या बना, हट गया हमारे पास बेंजीन बन गई, हमने N2Cl को हटा दिया, हमारे पास क्या बन गया। और इसमें बच्चों जो मैकेनिज्म काम करता है वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हैं आप सब, फ्री रेडिकल होता है, सपोज मैं ये लिख रही हूं R के ऊपर डॉट, बेंजीन के ऊपर डॉट, तो ये जो काम है, ये H3PO2 का जो काम है वो रेडिकल जनरेट करता है, एराइल रेडिकल जनरेट करता है और फिर H रेडिकल सप्लाई करता है, तो बन जाता है हमारा बेंजीन। तो क्या किया हमने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से नाइट्रोजन को भी हटा दिया, क्लोरीन तो निकल ही जाएगा, और उसकी जगह H को डाल दिया, तो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट बाई एच, और कह सकते हो हाइड्रोजन, तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको बेंजीन में। तो बच्चों ये सारी विशेषताएं ऐसी हैं जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप को हम उड़ा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्लोरीन डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, OH डाल दिया, फिनाइल डाल दिया, तो एक किस्म से आप बोलो हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या किया हमने बेंजीन से, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, क्लोरीनेशन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमिनेशन ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो हमने सारी चीजें कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म की एडिशन, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, किस में कर रहे हैं, बेंजीन में कर रहे हैं, लेकिन बेंजीन तो डायरेक्ट नहीं है, हम किसको यूज कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो घूम के प्रश्न आ सकता है, विशेषता क्या पूछी जाएगी बताइए जी, बेंजीन को अगर आपसे ये पूछा जाए बेंजीन को हम क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, आपके पास तो आंसर है, आपके पास तो जवाब है, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ली बेंजीन की, लेकिन फिर बोल दिया बेंजीन से नहीं बनाना है, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना है, तब हम सैंडमेयर करेंगे, तब हम कैटरमैन करेंगे। तो इस तरीके से आपको बदलाव कर करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए ये तो हो गई रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, अब हम करते हैं वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन वही है, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसमें नाइट्रोजन निकाल दिया हमने, अब हम करेंगे वो रिएक्शन जो इसकी दूसरी विशेषता है, वो ये है कि वो रिएक्शंस जिसमें नाइट्रोजन वहीं रहेगा, रिटेन रहेगा, और इसमें जो है जो वो रिएक्शंस होती हैं, जो जैसी भी वो रिएक्शंस होती हैं, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रोजन को ही हम रिड्यूस कर देते हैं, और दूसरी रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। एक होती है रिडक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन को ही रिडक्शन कर देना है, नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा है N ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को हमने रिड्यूस कर देना है, रिडक्शन बना देनी है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनाना है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट तो समझ ही सकते हो, उसमें H का एडिशन, किसमें, बेंजीन में नहीं, N ट्रिपल बॉन्ड N में। और दूसरी होती है विशेष कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बड़ी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए
अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो चलिए पहली हम करते हैं रिडक्शन ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड, एन नाइट्रोजन को हमने रिड्यूस कर देना है टू फिनाइल हाइड्राजीन। तो पहला क्या हो गया, बेन रिडक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, ये लिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसको हमने रिड्यूस कर देना है, और कितने हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं हम, 4H, और बना दे रहे हैं फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है NH, NH2, फिनाइल जोड़ दिया तो बन गया बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई। तो मतलब है विशेषता देखी, पहले जितनी भी करी नाइट्रोजन गायब था, यहां तो नाइट्रोजन वही है, हमने क्या कर दिया उसको रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन का मतलब होता है एच को ढालना, हमने एच ऐड कर दिया, उसमें एच ऐड हो गया तो फिनाइल हाइड्राजीन बन गया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कपलिंग रिएक्शन, जो बहुत ही ज्यादा मैंने बताया आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसकी। तो क्या है कपलिंग, कपलिंग। अब ये कपलिंग रिएक्शन जो है आपकी प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, तीनों अमीन हो सकती हैं, है ना। लेकिन ज्यादा विशेषता है कि बेंजीन वाले रिंग में जो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, जो ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, वो सा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। जैसे कि आपको मैंने बता दिया प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किसके किसके बीच में होती है, पहले तो ये जानू, होगी तो इसी के बीच में, एन एन है ना, और बेंजीन, बेंजीन के बीच में कपल कर रहा है और यहां पर कुछ अटैच होना चाहिए और वो ग्रुप क्या है, जी। तो जी जो है वो कैसा होना चाहिए, जी जी ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, जैसे कि OH भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन भी हो सकता है। सेकेंडरी अमीन क्या हो गया R2NH और टर्शरी अमीन क्या हो गया R3N और OH। ये ग्रुप क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग पावर बढ़ा देते हैं बेंजीन में, और ये जो है आपस में एक क्या बोलो उसको कपल कर जाता है। मतलब ये दोनों, इसकी जो नाइट्रोजन को हटाना नहीं है, उसमें नाइट्रोजन हटता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं हटाना है, ये इसको कपल करेगा, ये Cl हट गया, इस नाइट्रोजन ने इस पे अटैक करना है। तो क्या होना चाहिए, इधर इस नाइट्रोजन से आपको इसमें जोड़ना है, तो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा उतना आसानी से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए लिखती हूँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर हम समझ जाएंगे कि क्या हमने रिएक्शन करनी है। चलिए मैं आपको रिएक्शन लिख के बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं। N2Cl प्लस, चलिए हम हाइड्रोक्सी लिख देते हैं पहले, ठीक है। और अब हमने प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट का मतलब है हमने नाइट्रोजन को वही रखना है। तो हम नाइट्रोजन को कैसे रख रहे हैं, देखिए जानिए कैसे रख रहे हैं, N डबल बॉन्ड N तो हमारे पास N वही रह गया, हटा क्या Cl, और ये दूसरी जो बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ था वो इसके साथ जुड़ गया। अब ये जुड़ने से क्या हो गया, हमारे पास डाई एजो क्या बोलेंगे कपल्ड कंपाउंड मिल गया, हमारे पास डाई हाइड्रोक्स पैरा हाइड्रोक्सी, हम बोलेंगे इसको पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, क्या ग्रुप ऐड हो गया N डबल बॉन्ड ऐड तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने जब आपस में कपल किया तो हमारे पास N डबल बॉन्ड N, ये कितने हैं, दो नाइट्रोजन है, पहले Cl था वो Cl हटा, तो सोचिए पूरे का पूरा ये ग्रुप इसमें ऐड हो गया। ये OH के साथ भी हो सकता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के साथ भी हो सकता है। अब इसका रोल मैंने बता दिया आपको, G का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, खाली OH ही नहीं होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इस रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर ऐसी चीज चाहिए जो इस नाइट्रोजन के साथ काम कर सके। क्यों, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन में क्या है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या हो गया उसके पास तो डेफिशिएंसी है, उसको क्या चीज चाहिए, जो उसको वो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतने अच्छे से रिएक्शन। अभी ये मैंने OH के साथ लिखी, अब आप सेकेंडरी अमीन के साथ भी लिख सकते हो, है ना, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N,
तो ये मैंने डाल दिया NCH3, ये हम H डालेंगे तो हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, हम इसकी जगह डालेंगे NH CH और CH, मतलब ये किसकी जगह डाल रहे हैं, G की जगह डाला NH CH3 तो हो गया सेकेंडरी अमीन, ये डाला तो हो गया टर्शरी अमीन, तो क्या हो गया, हमने N रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, देखिए G की जगह ये, फिर N की जगह दूसरा कंपाउंड क्या बना दिया हमने, देखिए बन गया NCH3CH3, बाकी चीजें सेम, बिल्कुल सेम, सिर्फ हमने कहां पर चेंज किया, तो ये जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं ये बहुत अच्छे से डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एजोटाइज्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो प्राइमरी अमीन क्यों नहीं करता है, प्राइमरी अमीन भी करता है, लेकिन क्या हो जाता है, पहले वो बनाता है एक कलरलेस कंपाउंड, उसको जो भी रिएक्शन करनी है प्राइमरी अमीन की वो हम हमेशा हमेशा इसकी प्रेजेंस में करते हैं, सोडियम एसीटेट एक वीक बेस की प्रेजेंस में करते हैं, तो पहले वो एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है, फिर उसमें हम HCl डालते हैं तब वो कलर, ये सारे जो N कपलिंग कंपाउंड से कलर है क्योंकि इसमें ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप जब विशेष है जिसकी वजह से कलर आता है, तो प्राइमरी अमीन में भी होगा लेकिन पहले वो वीक बेस की प्रेजेंस में काम करता है, और वीक बेस जब हम यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, सोडियम एसीटेट CH3COONa, तो वो पहले एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है फिर हम HCl डालते हैं तब हमें वो कलर रीअरेंजमेंट हो जाती है, मतलब यहां से ग्रुप घूम के दूसरी जगह आ जाता है तो हमें कलर कंपाउंड मिल जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल है, जो असली कंपाउंड बनना है वो यही होगा N डबल बॉन्ड N और यहां पर आपके प्राइमरी अमीन है ना, तो कंपाउंड तो वही होगा लेकिन पहले वो कलरलेस बनाता है फिर वो कलर बनाता है, तो ज्यादा विशेषता किसकी है, सेकेंडरी की और टर्शरी की, उसमें R ग्रुप जुड़ जाते हैं, क्या कमी आ गई, NH2 में एक ही लोन पेयर है, ठीक हो गया, सेकेंडरी में क्या हो गया, इसने एक R ने और दे दिया इलेक्ट्रॉन, टर्शरी में क्या हो गया, दो जुड़ गए यहां से, एक तो बेंजीन जुड़ा ही है ना यहां से, तो एक H रह गया, यहां क्या थे दो H, यहां क्या हो गए, कोई भी H नहीं रहा, दो दो R, ये भी देते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी देते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बड़े आराम से ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो बच्चों ये सारी विशेषताएं जो हैं ये किसकी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट की, और जितनी भी ये विशेषताएं ये सारी डाइजोनियम क्लोराइड्स की होती है, पर ये उसका उदाहरण था, उस उदाहरण से हमने सब जान लिया, इसकी विशेषता जान ली, नाइट्रोजन रिप्लेस भी हो सकता है, नाइट्रोजन रिटेन भी हो सकता है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं अपने नए लेक्चर्स के साथ।